यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। A boy puts a heavy box of mass M on his head and jumps from the top of a multi-storied building to the ground. भाई इसे मरना है क्या? या तो मरना है या फिर हीरो होगा भाई। How much is the force exerted by the box on his head during his free fall? चलो भाई बना लेते हैं। ज्यादा ऊंचाई से नहीं कूदाते पर ठीक है, मान लो ये है बंदा है, ये बॉक्स रखा है उसके सर पे। तो जब ये फ्री फॉल कर रहा है ना, जब ये फ्री फॉल कर रहा है तो सोचो क्या हो रहा है यार। फ्री फॉल कर रहा है तो बॉक्स कितना फोर्स लगाएगा यार उस वक्त? सोचो, इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड जी है, इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड जी है, दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं है ना, तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इनके बीच का नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। बॉक्स हेड पे कितना लगाएगा? जीरो फोर्स। हेड बॉक्स पे कितना लगाएगा? जीरो फोर्स। तभी तो अपन वेटलेसनेस फील करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के जो बोन्स वगैरह जो भी टिश्यू है, कोई भी पार्टिकल एक दूसरे पे वो नॉर्मल वाला फोर्स नहीं लगा रहे जो ग्रेविटी को अपोज़ करने के लिए लगाना होगा, तो उस फीलिंग को ही तो हम वेटलेसनेस कहते हैं, है ना। या फिर हम बोल भी सकते हैं कि मैन की फ्रेम में ग्रेविटी जीरो गई, इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो गई, क्योंकि उतनी ही आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऊपर के डायरेक्शन में आ गई। हमने पढ़ा भी है, इफेक्टिव ग्रेविटी ऑन ए फ्रीली फॉलिंग फ्रेम इज जीरो, तो बिल्कुल नहीं लगेगा। बट जैसे ही ये ग्राउंड पे गिरेगा ना, है ना, डज द फोर्स ग्रेटली इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड ही बैलेंसेज हिमसेल्फ आफ्टर स्ट्राइकिंग ग्राउंड? यस इट डज। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोर्स होता है, एकदम से इसकी वेलोसिटी खत्म हो गई। मान लो गिरने से जस्ट पहले इसको एक पार्टिकल से दिखा देते, इसकी वेलोसिटी वी थी और गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं तो डेल वी बाय डेल टी हो जाएगा यार। तो क्या हो गया, इसकी चेंज इन वेलोसिटी तो कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी वी थी। और जो डेल्टी है इट इज वेरी स्मॉल, जब वो गिरता है ना तो ये बहुत छोटा होता है डेल्टी, है ना, बहुत बहुत कम समय में, एक सेकंड में, 0.5 सेकंड में इतना सारा ये जो वेलोसिटी थी वो खत्म हो गई। अभी मोमेंटम के टर्म्स में बात नहीं करेंगे, वो अपन सेंटर मास और कॉलिजन वाले चैप्टर में करते हैं बात, है ना। अभी अपन एक्सेलरेशन के टर्म में समझेंगे। तो एक्सेलरेशन बहुत हाई है यार, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, तो फोर्स बहुत ज्यादा है, और फोर्स ही तो हम फील करते हैं, तभी तो हड्डियां टूट जाती हैं, है ना। ये भाई अपन रियल लाइफ में फेस कर चुके हैं ये वाली प्रॉब्लम, है ना। तब से मतलब फिजिक्स पे हर जगह ध्यान देना है, वरना गड़बड़े हो जाती हैं।